लोगों की किस्मत बताने वाले महान ज्योतिष बेजान दारूवाला से जुड़ी आई एक बेहद बुरी खबर। बेजान दारूवाला से जुड़ी एक बेहद बुरी खबर आई है। जी हाँ, वही बेजान दारूवाला जो लोगों की कुंडलियां पढ़ते हैं और लोगों के भविष्य के बारे में अच्छे बुरे नतीजे बताते हैं। बेजान दारूवाला बॉलीवुड में काफी फेमस हैं। ऐसा माना जाता है कि बॉलीवुड की कई फेमस और जानी मानी हस्तियां बेजान दारूवाला पर आंख मूंद कर भरोसा करती हैं और उनके दिखाए बताए सुझावों पर गौर करती हैं, लेकिन लोगों के भविष्य के बारे में बताने वाले बेजान दारूवाला के साथ इस बार उन्हीं की किस्मत ने एक बुरा मजाक कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि बेजान दारूवाला को ब्रेन स्ट्रोक की समस्या के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस दुखद खबर से बहुत से लोगों को गहरा झटका लगा है। अपनी तबीयत के बारे में जानकारी देते हुए बेजान दारूवाला खुद ने अपनी एक तस्वीर और मैसेज सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। बता दें कि बॉलीवुड में बेजान दारूवाला का इतना दबदबा माना जाता है कि बड़े बड़े एक्टर्स अपनी मूवी की डेट बेजान दारूवाला से पूछ कर ही तय करते हैं। अपनी इस दिल तोड़ देने वाली तस्वीर को शेयर करते हुए बेजान दारूवाला ने लिखा है कि हेलो मेरे दोस्तों, मैं पिछले एक हफ्ते से अस्पताल में भर्ती था क्योंकि मुझे गंभीर ब्रेन स्ट्रोक आया था। मैं आईसीयू में भर्ती था। मुझे एक दिन के लिए वेंटिलेटर पर भी रखा गया था। मेरा इलाज कर रहे डॉक्टरों ने कहा था कि ये चमत्कार है कि मैं बच गया हूँ। आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ। बेजान दारूवाला को ब्रेन स्ट्रोक आया था, जो कि अपने आप में गंभीर बात है। दूसरा, उनकी उम्र भी इस पड़ाव में है कि इस समस्या का दुष्परिणाम ज्यादा पड़ सकता है। बेजान दारूवाला की हालत देखकर कहा जा रहा है कि अगर उचित सावधानी नहीं बरती गई तो उनकी ये समस्या जो पहले से ही गंभीर है वो और गंभीर हो सकती है। ऐसे में हम सिर्फ कामना कर सकते हैं कि बेजान दारूवाला जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और उन्हें कुछ ना हो। बाकी अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। ऐसे में दुनिया भर के लोग बेजान दारूवाला की सलामती की दुआ कर रहे हैं।